नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रा 24 न्यूज में सोनू। रीवा जिले में चंदन चोरों का आतंक फैला हुआ है। एक सप्ताह के अंदर एक दर्जन चंदन के पेड़ चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से तस्कर दूर हैं। हाल ही में रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर बदमाशों ने धावा बोलकर कीमती चंदन के पेड़ से चोरी कर ले गए थे। ताजा मामला मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहाँ त्यूनी निवासी रामायण प्रसाद तिवारी के बगीचे में बदमाशों ने धावा बोला है। बताया जाता है कि पुराने कीमती चंदन के दो पेड़ बदमाश चुरा ले गए हैं। घटना की जानकारी सुबह हुई तो पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित भागता हुआ थाना पहुंचा और चंदन चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित रामायण प्रसाद तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ चंदन चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि क्षेत्र में लंबे समय से चंदन तस्कर सक्रिय हैं और पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिसका परिणाम यह है कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने शंका व्यक्त की है कि दिन में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले रेकी करते हैं और रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस फेरी वाले और डेरा जमा कर रहने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, जिसके चलते क्षेत्र में लगातार चंदन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले में चंदन के पेड़ों की भरमार थी, लेकिन वर्षों से चंदन चोरी की घटनाएं हो रही हैं और कीमती चंदन के पेड़ तस्कर चुरा ले जा रहे हैं, जिसके चलते अब चंदन बाग उजड़ चुके हैं। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर तलाश करने की बात कह रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।